हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये नागिन माँ की कहानी है। आइए दोस्तों देखते हैं नागिन माँ की कहानी। नागपुर के जंगल में एक खूबसूरत नागिन रहती थी जिसका नाम था शिवन्या। वो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी नागिन थी जो नागमणि की रक्षा कर रही थी। शिवन्या बहुत ही दयालु और हिम्मत वाली नागिन थी। एक दिन नागपुर के जंगल में कुछ लोग आए और चुपके से पेड़ के नीचे 2 बच्चों को रखकर चले गए। वो बच्चे बहुत ही जोर जोर से रोने लगे और तभी बच्चों की रोने की आवाज शिवन्या की कानों में पड़ी। इतने घने जंगल में किसके बच्चे रो रहे हैं? चलकर देखना पड़ेगा। आवाज का पीछा करते करते शिवन्या उन बच्चों तक पहुंच गए और देखा बच्चे बिल्कुल अकेले जोर जोर से रो रही थी। उनके पास कोई नहीं था। तभी वहां पर एक नाग आए। शिवन्या अपनी नागिन रूप में आकर नाग को डरा कर भगा देती है और बच्चों को अपनी गोद में उठा लेती है। ये दोनों तो लड़कियां हैं, आज से मैं इन दोनों को पालूंगी और इन्हें मैं ही बड़ा करूंगी। ये दोनों तो कितनी प्यारी हैं। शिवन्या अपनी जादुई शक्ति से दोनों बच्चों के लिए बोतल का इंतजाम किया। जो जो उनको जरूरी था वो सामान का भी इंतजाम किया। बहुत ही प्यार से दोनों बच्चों को पालने लगी और बहुत ही अच्छे से दोनों बच्चों की देखभाल भी करने लगी। दोनों बच्चों का बहुत ही प्यारा सा नाम रखा नैना और सुनैना। दोनों बच्चों में से सुनैना थोड़ी सी सावली थी, फिर भी नागिन शिवन्या दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं करती थी और बहुत ही अच्छे से दोनों बच्चों का ख्याल रखती थी। नैना और सुनैना को पता नहीं था उनकी माँ नागिन थी। शिवन्या ने अपनी दोनों बच्चों को कभी भी ये बात का पता नहीं लगने दिया। शिवन्या अपनी दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। हर बुरी चीज और जंगल में हर बुरी जानवर से उनकी हिफाजत करती थी। देखते ही देखते नैना और सुनैना 18 साल की हो गई। हर रात को शिवन्या को अपनी नागिन रूप में आना था, इसीलिए नैना और सुनैना को सुलाकर जंगल की तरफ चल पड़ती। एक दिन शिवन्या अपनी दोनों बच्चों को सुलाकर जंगल की तरफ चल पड़ती है और तभी नैना और सुनैना उठ जाती है। ये माँ हमें सुलाकर हर रोज कहाँ चली जाती है? चलो नैना चलकर देखते हैं। नहीं नहीं माँ डांटेगी। अरे कुछ नहीं होगा, चलो चलकर देखते हैं। नैना और सुनैना उठकर अपनी माँ के पीछे जंगल की तरफ चल पड़ती है और दोनों देखते हैं नागिन शिवन्या धीरे धीरे से अपनी नागिन रूप में आने लगी। ये देखकर नैना और सुनैना बहुत ही डर जाती है और चीख पड़ती है। नागिन शिवन्या पीछे मुड़कर देखती है तो अपनी दोनों बच्चियां खड़ी होती है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और अपनी इंसानी रूप में आकर दोनों नैना और सुनैना के पास चली आती है। दोनों नैना और सुनैना अपनी माँ के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने तो हमें धोखा दिया है, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम तो कोई नागिन हो, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम कहीं और रह लेंगे, हम जा रहे हैं। बच्चों ऐसा मत कहो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नैना और सुनैना दोनों अपनी माँ को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों जंगल में दौड़ते दौड़ते और भी घने जंगल में जा पहुँची। तभी उन दोनों को जंगल में एक साधु बाबा मिला। वो साधु बाबा नागिन शिवन्या को बहुत सालों से जानते थे और नैना और सुनैना के बारे में भी जानते थे। साधु बाबा ने नैना और सुनैना को सारी बात बताई कि कैसे नागिन शिवन्या ने उन दोनों को पाला
और वो उनकी माँ नहीं थी, फिर भी उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। ये सुनकर नैना और सुनैना और भी ज्यादा दुखी हो गई। साधु बाबा ने उन दोनों को शिवन्या के बारे में बोला कि वो पहाड़ों की तरफ गई है। नैना और सुनैना पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ती है और वहां पहुंचती है जहां नागिन शिवन्या थी। वो दोनों नागिन शिवन्या के पास जाकर माफी मांगती है। अपनी दोनों बच्चियों को ऐसी हालत में देखकर नागिन शिवन्या उन दोनों को माफ कर देती है और अपनी दो बच्चियों को गले लगा लेती है और इसके बाद वो सब लोग राजी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों नागिन माँ की कहानी। जैसे भी हो माँ तो माँ होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें।